नारमल स्थित हजरत मुबारक खां शहीद दरगाह के परिसर पर हुए अतिक्रमण को मंगलवार को जीडीए ने हटवा दिया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे जीडीए टीम का दरगाह के लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि यह जमीन दरगाह की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव तथा सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और जमीन का कागजात एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। इस दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने उनकी समस्याओं को सुना, कागजात को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर वफ नंबर 151 सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष इकरार अहमद ने कागजात प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की। वहीं एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने उनको आश्वस्त कर समय देने का वादा किया, जिसे संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद पार्क के समीप व आसपास की जमीनों पर जीडीए के द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क को विस्तार करने की योजना है, जिसके अंतर्गत आसपास की जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है। यह जमीन बंजर की जमीन है और सरकार बहादुर के नाम पर दर्ज है। उन्होंने कहा कि जमीन को कुछ लोग दरगाह होने का दावा कर रहे हैं, उन लोगों को पेपर प्रस्तुत करने का समय दे दिया गया है। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार, कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा तथा जीडीए के अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वफ नंबर 151 सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष इकरार अहमद तथा एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा। हम मजिस्ट्रेट और पुलिस बनाई थी, इन लोग कह रहे हैं कुछ कागज हैं, जस्ट पीछे वाला 1322 स्क्वायर ये बैक साइड में सर, बस वीडियो पर यही चीज़ बस जो आरआरडी नंबर की बात जो हमको कहा गया 246 कि वो 23 फसली का जो बंदोबस्त है उस बंदोबस्त में 6 की टेंडेंसी दिखा रहा है और इस मुकदमे का जो जीडीए में चला है सर कोई सूचना नहीं मिली। और इसके साथ ही साथ 1959 में सर एक सिविल सूट भी चला था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी थी, वो नक्शा है और डिग्री है कि कोई भी इस तरह का, क्योंकि ये जब दिया था मौसोलियम तो यही है लेकिन जो मेले वगैरह लगते थे कोई इग्रेस इंग्रेस के लिए रोक लगाई गई थी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करें। रास्ता भी सर वो था, वो रास्ता भी ब्लॉक कर दिया पार्क वालों ने, जबकि वो रास्ता भी था कि रास्ता ओपन रहेगा बंदोबस्त में सर, वो रास्ता वो सीधे ये रास्ता नहीं था ये पहले। ये हमारा कहना कि सर हमको तो पता भी नहीं चला कि ये जीडीए में ये कार्रवाई है, तो अब सर बोल रहे हैं कि मैं मेरिट पर नहीं जाऊँगा, एसडीएम साहब आ रहे हैं बात कर लें। तो सर एक लीनियन व्यू अपनाते हुए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वाला वो दीजिएगा जरा, वही समय दिखा रहे बिना किसी ऑर्डर के सर एंट्री है बंजर में। नहीं है बंजर में कि नहीं है, ऑर्डर से कि नहीं है बाद में हुई 1394 फसली में जाते हुआ बांधने तक वो उसी के नाम है। मैं खत मेरा सारे जी सर, तो सर सब मैं मौजूद है मैं जो कागज उसी का सर्टिफाइड दे पाएंगे जो मुकदमे चले हैं जो हमारे पास बोला के बाद जो भी आपके हमारे परमिशन है आप दे दीजिएगा। विल सी ये सर आपको दीजिएगा। भाई
मेरा नाम इकरार अहमद, मैं वफ नंबर 151 सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का अध्यक्ष। SDM साहब को हम लोगों ने कहा कि हमें मौका दिया जाए सर पेपर दिखाने का, देख लिया, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ने दीजिए फिर आप आइएगा दिखाइएगा। उन्होंने तो पेपर दिखाने के लिए आपको दिया। हाँ, पेपर दिखाने के लिए, मैं जो पेपर आज यहाँ दिखा रहा हूँ वही वहाँ दिखाऊंगा। मेरे पेपर से वह असंतुष्ट होकर के गए हैं, हालांकि हमारा जो पेपर है उसके बारे में वकील साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि वकालत उसकी जानकारी उनको है। ये मैं जानता हूँ कि सैकड़ों साल से दरगाह मुबारक खांशीद के नाम ज़मीन है, किसी भूलवर्ष लेखपाल की भूलवर्ष या तहसीलदार या किसी की भूलवर्ष 10 साल से हमारा नाम काट दिया गया है रिकॉर्ड से। देखिए, आज ये नॉर्मल कैंपस में मुंशी प्रेमचंद पार्क के इर्द गिर्द गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क के विस्तार की योजना है। उस विस्तार की योजना के अंतर्गत कुछ अवैध अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण पे आज यहाँ पे अतिक्रमण हटवाने आए तो यहाँ के जो नुमाइंदे, यहाँ के जो आसपास के लोग रहे, उनका द्वारा बताया गया कि ज़मीन इनकी है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे और चूँकि ये बंजर के खाते की भूमि है और सरकार बहादुर के नाम पे दर्ज है, ऐसे में सरकारी ज़मीन पे अस्थाई प्रकार का जो अतिक्रमण है उसको रहने नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे प्रकार के अतिक्रमण को GDA के द्वारा हटवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं ज़मीन के मालिकान हक के लिए, इनको टाइम दिया है कि अगर आपके पास ज़मीन के मालिकान हक, जो कि बंजर की भूमि और केसर हिंद सरकार बहादुर की भूमि है, इसके संबंध में कुछ अगर आपके विभिन्न न्यायालयों में इनके जो वाद विचाराधीन जैसा ये बता रहे हैं, अगर उसके संबंध में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो न्यायालय में आकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी आज के टाइम पर ये ज़मीन जो है गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क के विस्तार की योजना के अंतर्गत ली गई है।